Lifted Hands। यह एक ऐसी थ्रिलर मूवी है जो आखिर तक ऑडियंस को बांध के रखती है। सो लेट्स स्टार्ट विद द मूवी। यांग एक ऐसा पुलिस ऑफिसर है जिसका रिकॉर्ड नाकामयाबी से भरा हुआ है, जो अपनी सैलरी क्विक इनकम स्कीम में इन्वेस्ट करता रहता है, जिससे उसका चीफ हमेशा उस पे नाराज रहता है। यहाँ रात को शहर की सुनसान गलियों की दीवारों पे एक अनजान पेंटर ग्रेफिटी बनाता रहता है कि तभी उसका और यांग का आमना सामना होता है। यांग उस पेंट की हुई दीवार पे सू करता है तो वह अनजान लड़का उसे टोकता है। यांग अपने पुलिस होने का रोब उस पे झाड़ने लगता है तो वह लड़का यांग का हाथ पकड़ के ही पहचान जाता है कि यांग एक कॉप है, जिसका यांग को आश्चर्य होता है। यांग उसे पकड़ने जाता है तो वह लड़का पेंट यांग की आंखों में स्प्रे करके भागता है। यांग एक पल उस पेंटर ने दीवार पे निकाली हुई पेंटिंग देखता है और पड़ा हुआ कैन उठा के पुलिस स्टेशन आता है। तभी एक औरत अपनी बेटी की लापता होने की कंप्लेंट लिखवाने पुलिस स्टेशन आती है तो बेकार बैठे यांग के गले में वह केस डाला जाता है। अपनी लड़की की चिंता में वह औरत रोने लगती है, जिससे यांग इमोशनल होता है और उसे विश्वास दिलाता है कि वह उसकी लड़की को ढूंढ के निकालेगा। दूसरे दिन वर्क डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त यांग का सीनियर ऑफिसर जॉन उस लड़की की किडनैपिंग की केस को इम्पोर्टेंस नहीं देता, जिससे यांग गुस्सा होता है। जॉन के हिसाब से अगर वह किडनैपिंग होती तो अब तक किडनैपर से कोई ना कोई कॉल जरूर आ जाता। तो यांग इस पर उससे आर्गुमेंट करता है तो चीफ यांग से कहता है कि वह अकेला इस केस को इन्वेस्टिगेशन करे, जिससे यांग खुश होता है। अब यांग फील्ड में जाके बड़ी मेहनत से उस लापता लड़की के बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने लगता है, मगर उसे कोई कामयाबी नहीं मिलती। यहाँ रात को एक साइट पे कुछ लड़के लड़कियाँ सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि एक लड़के को जमीन में दफन की हुई एक बच्ची की लाश दिखाई पड़ती है। पुलिस क्राइम सीन पे आती है। यांग जब क्राइम सीन पे आता है तो लड़की के पैर पे बर्थ के मार्क देख के वो समझ जाता है कि वो उसी लड़की की लाश है। फोरेंसिक डॉक्टर कहता है कि लड़की को जमीन में दफन करने के पहले उसे फ्रीज में रख के फ्रोजन किया गया है। लड़की पे ना कोई अत्याचार हुआ है, ना कोई किडनैपिंग करके पैसे की मांग की गई है, इसीलिए पुलिस कंफ्यूज है कि इस हत्या के पीछे क्या कारण है। मगर हर हत्या का कोई ना कोई कारण जरूर होता है। तभी वहाँ पे बच्ची की माँ आके लाश को देख के जोर जोर से रोने लगती है, जिसकी वजह से यांग बहुत डिप्रेस होता है। प्रेस और न्यूज वाले जानना चाहते हैं कि बच्ची की किडनैपिंग की इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा था, एक महीने से लापता होने के बावजूद उसे क्यों नहीं ढूंढा गया। तो उस नाकामयाबी का जिम्मेदार यांग को ठहरा के उसे नौकरी से सस्पेंड किया जाता है। अब पुलिस डिपार्टमेंट इस केस को सीरियसली लेती है। यांग जॉन से कहता है कि अगर उसने पहले ही केस को सीरियसली लिया होता तो बच्ची बच जाती। यांग उससे कहता है कि भले वह सस्पेंड है, मगर वह अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेगा। यांग क्राइम सीन पे जाके इमोशनल होके बच्ची को सॉरी कहता है। अब टीवी पे भी इस मर्डर की न्यूज चल रही है। टीवी पे उस जगह को देख के यांग को लगता है कि उसने पहले भी कई ये जगह देखी है। तभी उसे याद आता है कि उस रात जब उस ग्रेफिटी आर्टिस्ट के साथ उसकी नोकझोंक हुई थी तो वह पेंटर इसी क्राइम सीन की पेंटिंग दीवार पे निकाल रहा था, मगर वह पेंटिंग तो लड़की की लाश मिलने के काफी दिन पहले निकाली गई थी। अब इस उलझन को सुलझाने के लिए यांग उस पेंटिंग वाली दीवार के पास जाता है और क्राइम सीन को पेंटिंग के साथ मैच करता है। पेंटिंग में एक शख्स एक बड़ी बैग को दफन करते हुए दिखाया गया है। वो वही स्पॉट है जहां लाश मिली थी। पेंटिंग में एक बिल्डिंग दिखाई गई है जिसके ऑरेंज गेट के अंदर एक आदमी जाते हुए दिखाई देता है। बिल्डिंग का नाम हैप्पीनेस होता है। यांग उस ग्रेफिटी का फोटो लेता है और उस बिल्डिंग को ढूंढने निकलता है, मगर काफी ढूंढने के बाद भी जब उसे वो बिल्डिंग नहीं मिलती तो एक छोटी बच्ची उसे वह बिल्डिंग दिखाती है। तो यांग खुश होके उसे एक विसल गिफ्ट करता है और कहता है कि अगर कोई अजनबी तुमसे बात करने की कोशिश करे तो इसे बजाना। अब यांग उस बिल्डिंग के पास जाता है तो उसे वहाँ वह रस्टेड गेट दिखाई देता है। वह अंदर जाता है तो एक कपाट में उसे उस मरी हुई बच्ची की बैग और कपड़े मिलते हैं, मगर तभी एक शख्स उस पर पीछे से हमला करता है। अब दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। लड़ते वक्त यांग को उस शख्स की पीठ पे जख्म के निशान दिखाई देते हैं। मौका देख के वह शख्स यांग के सर पे बॉटल मार के वहाँ से भागता है। यांग उसका पीछा करता है मगर वो उसके हाथ नहीं लगता। जब वो वापस आता है तो देखता है कि पुलिस उस जगह आ पहुंची है। यांग चीफ और जॉन को समझाने की कोशिश करता है कि सस्पेक्ट उसके हाथ से भाग गया और ये जगह उसने ढूंढ निकाली है, मगर यांग के पास कोई सबूत नहीं होता जिससे वो चीफ को यकीन दिला सके। यहाँ तक के मोबाइल पे भी उस ग्रेफिटी के फोटो नहीं होते। चीफ उसे लेके पुलिस स्टेशन आता है तो यांग को टेबल पे वो स्प्रे दिखाई देता है जो उस रात उसने उस अनजान ग्रेफिटी आर्टिस्ट से छीना था, जिस पर उस शॉप का नाम होता है। अब यांग अपने दोस्त नैंसू को उस किलर को पकड़ने का लालच देता है, जिस पर $50,000 का रिवॉर्ड रखा गया है। फिर उसके साथ उस शॉप पे जाता है। वह स्प्रे देख के वह शॉपकीपर पहचान जाता है, क्योंकि शॉप वाले ने उस लड़के को गलत पेंट डिलीवर किया था, जो एक रात वह लड़का उसे रिप्लेस करने आया था। वह लड़का उस शॉपकीपर का रेगुलर कस्टमर था।
अब शॉपकीपर से उस लड़के का एड्रेस लेके दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं। यांग उस लड़के पे हमला करके उसे पकड़ लेता है, मगर यांग को उसके पीठ पे वो जख्म के निशान नहीं दिखते जो उसने उस वेयर हाउस में किलर के साथ फाइट करते हुए उसकी पीठ पे देखे थे। ऊपर से उस लड़के के पास कोई फ्रिज भी नहीं है जो यांग के हिसाब से किलर के पास होना चाहिए, जिसमें वो बच्चियों की बॉडी को रखता है। फिर भी यांग को उस लड़के पे यानी किम पे शक है, तो वो उस पे नजर रखता है। रात को वो किम को उस ग्रेफिटी को मिटाते हुए देखता है तो उसे उस पर शक होता है और वो उसे फिर से पकड़ता है। किम के फोन में सिर्फ एक ही कॉन्टेक्ट होता है, किसी सुंग नाम के शख्स का। यांग को लगता है कि वो शायद किम का किलिंग में पार्टनर हो सकता है, तो वो सुंग का एड्रेस निकाल के उस तक पहुंचता है, मगर उसे पता चलता है कि सुंग एक लड़का नहीं बल्कि लड़की है, तो उसे आश्चर्य होता है। सुंग से उसे पता चलता है कि किम उसकी हाई स्कूल में पढ़ता था। यहाँ और एक बच्ची की किडनैपिंग की कोशिश होती है। उस बच्ची से पता चलता है रात को जब वो रोड पे से अकेली जा रही थी तो एक अनजान शख्स ने उसे अपने पास बुलाया और उससे कहा कि उसका पपी बीमार है तो वो उसकी मदद करे। मगर जब बच्ची ने उस पपी को छुआ तो उसे पपी बर्फ की तरह ठंडा लगा, जिससे घबरा के वो भाग गई। अब उसी तरह का वाकया रात को होता है। वह अनजान किडनैपर एक छोटी बच्ची को अपने कुत्ते की हेल्प के लिए बुलाता है और किडनैप करता है। दूसरे दिन पुलिस उस जगह पहुंच जाती है। वहां पड़ी विसल को देख के यांग समझ जाता है कि वो वही लड़की है जिसे उसने उस दिन विसल गिफ्ट की थी। अब गुस्सा होके यांग किम के घर पहुंच जाता है। यांग जानता है कि भले किम ने मर्डर नहीं किया हो, मगर वो मर्डर के बारे में जरूर कुछ ना कुछ जानता है, इसीलिए उसने मर्डर सीन की हूबहू ग्रेफिटी बनाई। किम उसे बताता है कि उसने ग्रेफिटी अपनी इमेजिनेशन से बनाई है। वह सुन के यांग उसे पिटने लगता है कि तभी अचानक किम यांग का हाथ पकड़ता है। उसकी आंखों में एक चमक आती है और उसे यांग का पास दिखने लगता है। उसे दिखता है कि बचपन में एक दिन यांग अपने भाई डोंग को अकेला छोड़ के गया था, जिसके बाद वह किडनैप हो गया और बाद में उसकी लाश मिली थी, इसलिए यांग को किडनैपर से चीड़ है। किम के मुंह से अपना पास सुन के यांग शॉक होता है। जो बात किसी को पता नहीं थी वह किम ने कैसे जान ली, इस बात का उसे आश्चर्य होता है। यांग को इस बात का हमेशा अफसोस था कि अगर उस दिन वह अपने भाई को अकेला छोड़ के नहीं जाता तो आज वह जिंदा होता। हर रात को उसे यह नाइटमेयर सताता है। अब हमें उस किडनैपर का डेन दिखता है जहाँ वो बच्ची होती है। वह किडनैपर एक कुत्ते को कोई इंजेक्शन देता है, यह देख के वो बच्ची डर जाती है। यहाँ यांग उस अजीब किम के बारे में जानना चाहता है तो वह सुंग को जाके मिलता है जो उसकी एकलौती दोस्त है। सुंग भी एक पेंटर है। यांग उसे किम ने निकाले हुए ग्रेफिटी की फोटो दिखाता है, जो देख के सुंग उसे बताती है कि वो इमेजिनेशन से बनाई गई है क्योंकि वो बर्ड आई व्यू है और कोई भी इंसान आसमान में बैठ के पेंटिंग तो नहीं बना सकता। यांग सुंग को बताता है कि वो ग्रेफिटी किम ने निकाली है जो एक क्राइम सीन है। उसे इस बात का भी आश्चर्य है कि उसके बचपन की बात जो उसके सिवा किसी को पता नहीं थी वो किम ने कैसे जान ली। सुंग यांग को बताती है कि किम में वो एबिलिटी है कि वो किसी भी चीज को छू के उसका पास्ट बता सकता है। यांग इंटरनेट पे इस एबिलिटी के बारे में सर्च करता है तो उसे पता चलता है कि इस एबिलिटी को साइकोमेट्री कहते हैं, जिससे आदमी छुई हुई चीज की मेमोरी में जाता है। किम के स्कूल से उसे पता चलता है कि किम की माँ की एक्सीडेंट में मौत हुई थी, जिसे किम खुद को जिम्मेदार ठहराता है, और यह एबिलिटी उसमें उसके फादर के जरिए आई थी, जिसकी वजह से उसके फादर ने सुसाइड की थी। अपनी इस एबिलिटी पे किम बहुत नाराज है, जिसने उसे समाज से और अपनी माँ से दूर रखा। यांग को यह सब सुन के अपने किए पे पछतावा होता है और वह किम के घर उसे सॉरी कहने जाता है। किम उससे बहुत नाराज है। यांग किम से कहता है कि वह जान चुका है कि किम उससे झूठ नहीं बोल रहा, मगर वह जानना चाहता है कि उसने किस चीज को छू के वह ग्रेफिटी बनाई। तभी वहाँ पे कुछ लोग किम के घर पे कब्जा करने आते हैं और उससे जबरदस्ती पेपर पे अंगूठा लगा के मारपीट करने लगते हैं। तो यांग बीच में आके उन गुंडों को मारता है और भगाता है। वह उनसे कहता है कि वह किम का बड़ा भाई है। यांग की इन बातों से किम उससे इमोशनली अटैच होता है। वह यांग को बताता है कि उसने उड़ते हुए एक कबूतर को छू के उसकी मेमोरी से वो ग्रेफिटी बनाई, इसलिए वो बर्ड आई एंगल से बनाई है। यांग किम को पहली विक्टिम के कपड़े देता है। अब किम अपनी साइकोमेट्री एबिलिटी को इस्तेमाल करके उस लड़की की मेमोरी में जाने की कोशिश करता है तो उसे प्लास्टिक बॉल के केज में बंद की हुई वो लड़की दिखाई देती है और पागल की तरह हंसते हुए उसे मोबाइल से शूट करता हुआ किलर। यांग अब पुलिस स्टेशन जाता है और किम की इन्फॉर्मेशन को थोड़ा मैनिपुलेट करके जॉन और चीफ को बताता है कि मरने के पहले लड़की को पॉलीकार्बोनेट बॉल्स के साथ रखा गया था, दूर रखा, और इसीलिए यह तभी पॉसिबल है जब वह किडनैपर के कब्जे में थी। इस तरह के प्लास्टिक बॉल्स बच्चों के डे केयर सेंटर में खेलने के लिए रखे जाते हैं। चीफ को यांग की बातों में सेंस लगता है तो अब सब ऐसे डे केयर सेंटर की खोज में निकलते हैं जहाँ इस तरह के बॉल्स और बड़ा रेफ्रिजरेटर है, मगर काफी छानबीन करने के बाद भी यांग के हाथ कुछ नहीं लगता। यहाँ पहली विक्टिम की माँ
अपने बच्चे की मौत के गम में सुसाइड करती है। तो पोलिस सुप्रीमो सबको अल्टीमेटम देते हैं कि अगर उन्होंने किलर को नहीं ढूंढा तो वो नौकरी गवा बैठेंगे। अब हमें एक पेट क्लिनिक दिखता है और एक वेट डॉक्टर। केज में बहुत सारे पपीज रखे हैं। डॉक्टर प्यार से उनके पास जाता है तो एक पपी उस डॉक्टर के हाथ को काट लेता है। इस बात से वो डॉक्टर काफी गुस्सा होता है। वो पपी को ब्रूटली पकड़ के एक इंजेक्शन देता है जिससे वो पपी मर जाता है। अब वह डॉक्टर उस पपी को एक बड़े फ्रिज में डाल देता है। तभी हमें डॉक्टर की गर्दन पे जख्म का निशान दिखाई देता है। हम समझ जाते हैं वही किडनैपर किलर है। यहाँ पुलिस समझ जाती है कि यांग ने किसी भी लैब से कोई रिपोर्ट नहीं निकाले, तो उसे कैसे पता चल गया कि मरने के पहले पहली विक्टिम प्लास्टिक बॉल्स के संपर्क में थी। पुलिस यह भी जान चुकी है कि यांग पहली बार उस वेयर हाउस में पहुंचा था, तो उसको यह सब लीड कहां से मिला। यांग किम का नाम नहीं बताना चाहता, मगर चीफ उसे इमोशनली लेता है और उससे कहता है कि अगर उन्होंने यह केस सॉल्व नहीं किया तो सबकी नौकरी जाएगी। अब जोर देने पर न चाहते हुए भी यांग किम का नाम बताता है, तो पुलिस किम को अरेस्ट करती है और पुलिस स्टेशन लेके आती है, जिससे किम बहुत नाराज होता है क्योंकि यांग ने उसका नाम किसी को भी ना बताने का प्रॉमिस तोड़ा था। डिप्रेस होके किम विक्टिम का हेडफोन हाथ में लेता है, जिससे उसे पैनिक अटैक आते हैं, जिससे जान भी जा सकती है। यांग जान जाता है कि किम जानबूझ के सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है, तो वह उसे रोकता है। डिप्रेस होके किम पुलिस को बताता है कि वह वही किलर है जिसे पुलिस ढूंढ रही है और उसी ने बच्ची को मारा है। यांग जानता है कि वो झूठ बोल रहा है, मगर वो बेबस है। पुलिस मीडिया के सामने डिस्क्लोज करती है कि उन्होंने किलर को पकड़ा है। किम को अब कार में बिठा के जेल में ले जाया जाता है कि तभी रास्ते में यांग कार से पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारता है। किम उसके साथ नहीं जाना चाहता, तो वह उस पर गन तान देता है। किम को इसी बात का दुख है कि उसने यांग पे भरोसा किया और उसने दगाबाजी की। किम को लगता है कि वो दुनिया से चुपके रहता था वही अच्छा था। यह दुनिया जालिम है जो उसकी एबिलिटी का फायदा उठाना चाहती है। किम गन से अपना हाथ शूट करने जाता है तो यांग उसे रोकता है। यांग नहीं चाहता कि जो जुर्म किम ने नहीं किया उसकी सजा उसे हो, जो शायद फांसी है। यांग किम से कहता है कि अब वो दोनों मिलके असली किलर को ढूंढेंगे। यांग किम को लेके एक बड़े वेयर हाउस में आता है जहाँ पुराने फ्रिज रखे हुए है। नैंसू यांग से कहता है कि बड़े कमर्शियल फ्रिज का लाइफ बहुत कम होता है, तो उसे जल्दी बेचा जाता है और यह शहर का सबसे बड़ा सेकंड का मार्केट है। तो किम का काम यह है कि उन फ्रिज को टच करके जानना है कि उसमें से कौन सा फ्रिज किलर से संबंधित है और उसी में से किलर के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालनी है। किम एक एक करके फ्रिज को टच करते जाता है और उसे वह फ्रिज मिलता है जिसे छूते ही उसे दिखाई देता है कि उसके अंदर बच्ची की लाश को रखा गया था। यहाँ किलर अपने डेन का दरवाजा खोल के अंदर आता है जहाँ केज में उसने बच्ची को रखा है। वह बच्ची की जख्म देखने लगता है कि तभी मौका देख के बच्ची उस डॉक्टर को धक्का देके दरवाजे से बाहर आती है और दरवाजा लॉक करती है। अब हमें दिखाई देता है कि वह बड़ा सा फ्लैट है। बच्ची मेन डोर खोलने जाती है मगर वो लॉक है। वह खोलने की कोशिश करती है मगर वो खुलता नहीं। तभी वो किलर डेन का दरवाजा खोल के बाहर आता है और बच्ची से कहता है, मैं तुमसे अच्छी तरह से पेश आया मगर तुमने मुझसे नफरत की। वो उससे कहता है कि उसे वो लोग पसंद नहीं जिनसे वो प्यार करता है, मगर उसके बदले वो लोग उससे नफरत करते हैं। किलर बच्ची से कहता है कि वो ऐसे लोगों को मार देता है। यहाँ वेयर हाउस से यांग को उस फ्रिज के ओनर का पता चलता है, तो वह उस बिल्डिंग के पास आते हैं, मगर उनके पास रूम का नंबर नहीं होता, तो अब वह एक एक करके फ्लैट ढूंढने लगते हैं, मगर काफी छानबीन के बाद भी उन्हें कामयाबी नहीं मिलती। तभी किम के दिमाग में स्ट्राइक होता है कि लिफ्ट के बटन को छूके शायद कोई सुराग मिले, तो वह लिफ्ट में आता है। उसी वक्त वह पागल डॉक्टर भी उस लिफ्ट में हंसते हुए आता है। लिफ्ट में वह डॉक्टर पागलों की तरह हंसने लगता है। उसकी हंसी सुनके उसके पास खड़े किम को याद आता है कि अपनी विजन्स में उसने वही हंसी सुनी थी। डॉक्टर किम से पूछता है कि उसे कौन से फ्लोर पे जाना है। किम उससे कहता है कि उसे 20th फ्लोर पे जाना है। अब किम यांग को मैसेज करता है कि वह 20th फ्लोर पे जा रहा है, मगर प्रॉब्लम यह होता है कि 20th फ्लोर पे एक ही फ्लैट होता है और वो उसी डॉक्टर का होता है, तो डॉक्टर को किम पे शक होता है। यहाँ यांग 28th फ्लोर पे उस डॉक्टर के फ्लैट में पहुंच जाता है। वह बच्ची को ढूंढने लगता है तो उसे एक रूम में वह केज और प्लास्टिक बॉल्स दिखाई देते हैं। तभी उसे किम का फोन आता है, मगर दरअसल वह फोन डॉक्टर ने किया होता है। यांग रूम के बाहर आता है तो डॉक्टर ऑल ऑफ अ सडन यांग के पेट में नाइफ भोंक देता है। घायल यांग डॉक्टर पे झपट पड़ता है, मगर जख्म की वजह से वो वीक पड़ जाता है। यांग उस हालत में भी बच्ची के बारे में पूछता है तो डॉक्टर उसे कहता है कि उसने बच्ची को मार डाला। डॉक्टर यांग से कहता है कि उसके लिए बच्चे भी एक पेट की तरह है। वह उनसे प्यार से पेश आता है, मगर जब वह उसे गलत समझ के उस पे हमला करते हैं तो वह उन्हें मार देता है। अब वह डॉक्टर यांग को मारने जाता ही है कि तभी वहाँ पे किम आता है
और उसे रोकता है। अब डॉक्टर किम को मारने जाता है तो किम अपने हाथों से उसका नाइफ वाला हाथ पकड़ता है तो वह डॉक्टर की मेमोरी में चला जाता है और उसे पता चलता है कि डॉक्टर ने कई बच्चों को मारा है। तो किम गुस्सा होके डॉक्टर को पुश करते हुए विंडो से धकेलता है मगर वह डॉक्टर को नीचे नहीं गिरने देता। डॉक्टर का हाथ उसके हाथ में होने की वजह से उसे विजन्स आने लगते हैं। यांग किम को डॉक्टर को छोड़ने को कहता है मगर किम दरअसल जानना चाहता है कि डॉक्टर ने उस आखिरी बच्ची को कहाँ रखा है और उसे वो विजन में दिखता है और उसे पता चलता है कि वो बच्ची अभी जिंदा है। तभी विंडो टूटती है, दोनों नीचे गिर जाते हैं मगर यांग उन्हें बचाता है। वह डॉक्टर को भी ऊपर खींच लेता है। किम यांग को बताता है कि डॉक्टर ने बच्ची को वेट क्लिनिक के फ्रिज में रखा है जो इसी बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पे है। यांग यह इन्फॉर्मेशन पुलिस को पास ऑन करता है। पुलिस बच्ची को फ्रिज में से सही सलामत बाहर निकालती है। यांग को हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। उसे दुख इसी बात का है कि एक महीना हॉस्पिटल में रहने के बाद भी उसे वहाँ मिलने कोई नहीं आया। तो नर्स उसे बताती है कि उसका छोटा भाई कुछ दिन पहले रात को आया था और सुबह तक था। यांग समझ जाता है कि वो किम के बारे में बात कर रही है। यांग हॉस्पिटल से निकल के किम के घर जाता है मगर किम घर छोड़ के किसी अनजान जगह चला गया है। उसका फोन भी बंद है। यांग फिर से अपनी पुलिस ड्यूटी ज्वाइन करता है। पेट्रोलिंग करते वक्त उसे शहर की दीवार पे किम ने ड्रॉ की हुई ग्रेफिटी दिखाई देती है जिसमें उसने शहर में होने वाले क्राइम के सुरागों को यानी क्लू को ड्रॉ किया होता है। मानो वह अपनी ग्रेफिटी के जरिए पुलिस की मदद कर रहा हो। मूवी यहाँ खत्म होती है।